कक्षा 12वीं की अर्थशास्त्र की क्लास में आपका स्वागत है। आप राष्ट्रीय आय पढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना के विषय में आप अध्ययन कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय आय की गणना के मुख्य तो आपने राष्ट्रीय आय गणना में आय उत्पादन गणना में ली, आय गणना विधि, व्यय गणना विधि, इस विषय में आपने पढ़ा। फिर राष्ट्रीय आय का क्या महत्व है? राष्ट्रीय आय की गणना के क्या महत्व है? तो सबसे पहले किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए प्रति व्यक्ति आय की आवश्यकता होती है। किसी भी राष्ट्र में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सबसे पहले आर्थिक विकास का मापदंड, तो सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आय की गणना में सबसे महत्वपूर्ण है आर्थिक विकास की महत्वपूर्ण मापदंड। तो महत्वपूर्ण मापदंड में जिन देशों की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वहां की जो अर्थव्यवस्था है आर्थिक दृष्टि से कैसे होते हैं, वह देश विकसित माने जाते हैं। वहां उन देशों में राष्ट्रीय आय जिन देशों में राष्ट्रीय आय कैसी होती है, कम होती है, वह राष्ट्र कैसे होते हैं, पिछड़े हुए माने जाते हैं। तो किसी भी देश की आर्थिक विकास के लिए सबसे मुख्य है वहां की राष्ट्रीय आय। तो जिन देशों की राष्ट्रीय आय कैसी होती है, अधिक होती है, वहां वह देश कैसे होते हैं, आर्थिक दृष्टि से बहुत विकसित माने जाते हैं। और जिन देशों में राष्ट्रीय आय कम होती है, वह देश कैसे अविकसित, अल्प विकसित और पिछड़े हुए माने जाते हैं। फिर किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को मापने के लिए वहां के जीवन स्तर भी सूचक माना जाता है। जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय जितनी अधिक होती है, वहां पर नागरिकों का जीवन स्तर भी कैसा होता है, उतना ही अच्छा और ऊंचा माना जाता, ऊंचा होता है। फिर एक तुलनात्मक अध्ययन में सहायक, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय राष्ट्रीय आय के अध्ययन में विभिन्न देशों जो देश होते हैं विभिन्न देश उनकी कुल तथा कुल आय और प्रति व्यक्ति आय को तुलनात्मक जानकारी उपलब्ध हो जाती है राष्ट्रीय आय की गणना से। फिर चौथा है आर्थिक कल्याण के लिए भी क्या होती है राष्ट्रीय आय, जो राष्ट्रीय आय की मापक गणना होती है वह आर्थिक कल्याण के मापक होती है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से मतलब किसी भी देश की अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो वहां का जो आर्थिक विकास या आर्थिक कल्याण भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। और राष्ट्रीय आय में कमी होने पर आर्थिक कल्याण में भी क्या होगी, कमी होगी। फिर है आर्थिक नीति में आर्थिक नीति के निर्माण में सहायक, तो आपको बता दूं राष्ट्रीय आय के आंकड़े किसी भी देश के आय मतलब आप किसी भी उपलब्धि के लिए आय मुख्य क्या होता है, सूत्र होता है। तो राष्ट्रीय आय के आंकड़े किसी भी देश की आर्थिक नीति के निर्माण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। राष्ट्रीय आय होगी वहां का जो देश होगा वो विकसित होगा, वहां का आर्थिक विकास तेजी से बढ़ेगा और वह देश कैसा हो जाएगा, विकसित देश कहलाएगा। इन आंकड़ों से सरकार को रोजगार साख बचत और विनियोग संबंधी मामलों में आर्थिक नीति में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। तो जो यहाँ की राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित मतलब इसका महत्व आर्थिक नीति के निर्माण में सहायक होता है, ये पांचवा इसका महत्व है जो आर्थिक नीति के निर्माण में सहायक होती है, जिसकी आंकड़ों से सरकार को रोजगार साख बचत और विनियोग संबंधी मामलों में भी आर्थिक नीति बनाने में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। फिर है इसके बाद सकल घरेलू उत्पादन की क्या विशेषताएं हैं? वो सकल घरेलू उत्पादन इस तथ्य के संकेत करता है कि सकल घरेलू उत्पादन मूल्य में गिरावट व्यय शामिल है। तो सकल राष्ट्र में तथ्यों के संकेत करता है कि सकल घरेलू उत्पादन मूल्यों में क्या करता है, मूल्य जो होते हैं गिरावट व्यय शामिल होते हैं। दूसरा सकल घरेलू उत्पादन में दोहरी गणना को बचने
तो दोहरी गणना से बचने के लिए केवल जो अंतिम वस्तु सेवाएं होती है केवल उनको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, और पुरानी वस्तुओं की बिक्री प्राप्त राशि इसे प्राप्त राशि इसमें क्या की जाती है, इसके मूल्य को सौ उपभोग के लिए किया जाता है और उत्पादन और खुद मतलब खुद का अपना मकान है उन सब में इसे इसके किराए को भी क्या किया जाता है, शामिल होता है। फिर है राष्ट्रीय आय और निजी आय में अंतर। तो राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय मिलाकर जो आय बनती है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं, और निजी आय में जो स्वयं की आय निजी आय होती है। राष्ट्रीय आय में केवल आय भुगतान शामिल किए जाते हैं और निजी आय में भुगतान का हस्तांतरण का भुगतान दोनों शामिल किए जाते हैं। राष्ट्रीय आय में निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में जो आय बनती है सर्जित होती है जो आय उनको क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। और निजी आय में केवल निजी क्षेत्रों से जो आय होती है उसे शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय देश के सामान्य निवासियों की राष्ट्रीय आय होती है, वह देश के जो सामान्य निवासी होते हैं जो सामान्य तौर पर निवास करते हैं उनकी आय से प्राप्त होती है। और निजी आय में क्षेत्र में केवल क्या प्राप्त होता है, आय प्राप्त होता है जो निजी क्षेत्र होते हैं उनसे जो आय प्राप्त होती है वह निजी आय होती है। फिर भारत में राष्ट्रीय आय में वृद्धि के कारण मतलब राष्ट्रीय आय की जो वृद्धि है उसके धीमी होने के कारण क्या है, सबसे पहले जनसंख्या का स्तर तेजी से बढ़ रहा है कि राष्ट्रीय आय में क्या हो रही है, राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि है उसकी जो गति वो कैसी हो रही है, धीमी हो रही है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी गति का सबसे मुख्य कारण है जनसंख्या तीव्र वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर धीमी हो गई है। फिर कृषि पर निर्भरता, देश में 71% जनसंख्या क्या पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर होती है, जबकि औद्योगिक क्षेत्र केवल 12% यहाँ पर जनसंख्या मतलब यहाँ पर काम कृषि कार्य कर रही है, सेवा के क्षेत्र में केवल 17%। इसलिए राष्ट्रीय आय में वृद्धि की गति कैसी हो गई है, धीमी हो गई है, क्योंकि कृषि कार्य भी धीमी है। फिर है पूंजी में कमी, देश में पूंजी की कमी कारण राष्ट्रीय आय भी कैसी हो जाती है, धीमी हो जाती है। इसका मुख्य कारण है पूंजी में कमी के कारण लोगों में बचत करने की इच्छा और शक्ति तथा विनियोग की प्रेरणा को भी क्या मिलता है, कम होता है। फिर यह हो गया तीसरा कारण पूंजी की कमी। चौथा है तकनीकी पिछड़ापन, भारत में तकनीकी विकास कैसा है, कम है। यहाँ पर तकनीकी जो है मशीनरी हो गया और तकनीकी विकास हो गया, ये क्या हो गया, पिछड़ापन पिछड़े हो गए हैं। तो भारत में तकनीकी पिछड़ापन के कारण उद्योगों में और वहाँ की नीतियों का प्रयोग किया जाता है जिसके कारण उत्पादन क्षमता क्या हो गई, उत्पादन का स्तर कैसा हो गया है, कम हो गया या निम्न स्तर का हो जाता है। तकनीकी पिछड़ापन के कारण से मशीनरियों का उपयोग कम करते हैं लोग, परंपरा रीतियों का प्रयोग ज्यादा करते हैं, तो इससे उत्पादन क्षमता कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। इसके कृषि व औद्योगिक क्षेत्र दोनों में लोगों की आय क्या होती है, फिर कृषि और औद्योगिक दोनों में दो लोगों की आय कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। फिर पांचवा है आय का असमान वितरण। तो राष्ट्रीय भारत मतलब भारत में जो आय का वितरण है वो कैसा है, असमान। तो भारत में राष्ट्रीय आय का वितरण असमान रूपता के कारण इसका सरकार की दोषपूर्ण कर नीति। तो राष्ट्रीय आय की गति धीमी होने का एक कारण ये भी है कि आय का स्तर असमान है और इसके लिए इसका मुख्य कारण है सरकार की दोषपूर्ण नीतियों के कारण। फिर है राष्ट्र, अभी आपने देखा कि जो राष्ट्रीय आय है वह धीमी होने के क्या कारण है, और अब अपन देखेंगे भारत में राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने के प्रमुख सुझाव दीजिए। तो जो भारत की राष्ट्रीय आय को वृद्धि करने के लिए, तो प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग, देश में इतने प्राकृतिक संसाधन हैं उनका उपयोग अपन अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, इससे वहां पर भारत मतलब देश की जो ये दूसरा जो है
जनसंख्या की वृद्धि पर नियंत्रण देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लिए आवश्यक है कि यथासंभव हो जनसंख्या की जो दर वृद्धि है वो क्या की जाए, दर को कम किया जाए। फिर है बचतों को प्रोत्साहन एवं पूंजी निर्माण। देश में राष्ट्रीय आय, देश की राष्ट्रीय आय है उसे वृद्धि के लिए घरेलू बचतों को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना और उक्त बचतों को पूंजी निर्माण में मतलब जो पूंजी के निर्माण के कार्य में इसको क्या किया जाना चाहिए, लगाना चाहिए। तो पूंजी निर्माण में क्या आएगा, बदलाव जाना चाहिए। फिर है कृषि, कृषि का आधुनिकरण। तो कृषि का आधुनिकरण, कृषि उत्पादन में जो चौथा इसका है कारण, कृषि का आधुनिकरण करना मतलब जो राष्ट्रीय आय को अगर बढ़ाना है तो कृषि के उत्पादन में क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा और कृषि कार्य में आधुनिकरण लाना पड़ेगा। इसकी अपन को बहुत आवश्यकता है। तो कृषि के आधुनिकरण से उत्पादन कैसा होगा, बढ़ेगा और फलता राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्रीय आय में भी क्या होगी अपनी, बढ़ेगी। फिर साहसियों को पर्याप्त सुविधाएं व राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लिए सरकार को चाहिए कि उद्योग स्थापना नए नए उद्योगों को क्या करें, स्थापित करें और साहसियों को पर्याप्त सुविधाएं दें जिससे उत्पादन करने के लिए उनको क्या किया जा सके, प्रोत्साहन किया जा सके। तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि हेतु ये पांच उपाय थे। पहला है प्राकृतिक संसाधनों को उचित उपयोग, फिर उसके बाद जनसंख्या जो वृद्धि है उस पर नियंत्रण करना, बचतों को क्या करना, प्रोत्साहन व पूंजी निर्माण, फिर कृषि व आधुनिकरण करना और साहसियों को पर्याप्त सुविधाएं व प्रेरणा प्रदान करना। तो ये हो गए राष्ट्रीय आय में वृद्धि हेतु प्रमुख सुझाव। फिर राष्ट्रीय आय क्या होती है, तो एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं में मौद्रिक मूल्यों का राष्ट्रीय आय कहलाती है। राष्ट्रीय आय कैसे प्राप्त होती है, जब कुल राष्ट्रीय आय से कुल जनसंख्या को भाग दिया जाता है, जो कुल प्रति व्यक्ति आय में, जब कुल राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग दिया जाता है तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। उसके बाद है राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में अंतर। तो किसी देश की समस्त उत्पादन जो राष्ट्रीय आय कैसे प्राप्त, राष्ट्रीय आय क्या होती है, किसी देश के समस्त उत्पादकों की वास्तविक उत्पादन का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। एक व्यक्ति विशेष द्वारा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त वास्तविक आय योग के प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। दूसरा है राष्ट्रीय आय में प्रति व्यक्ति आय शामिल होती है। देश की राष्ट्रीय आय होती है उसमें प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, शामिल होती है और प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय का एक भाग होता है। फिर राष्ट्रीय आय विकास का प्रतीक स्रोत है। अपने देश की अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास जो होता है वह कैसे होता है, राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय क्या है, आय का विकास प्रतीक है। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय का एक भाग होता, प्रति व्यक्ति आय जो होती है वह राष्ट्रीय आय का एक भाग है जो प्रति व्यक्ति आय के जीवन स्तर का प्रतीक होता है। तो प्रति व्यक्ति आय मतलब स्वयं एक व्यक्ति की आय, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन स्तर का क्या करता है, आय उसकी आय से उसके जीवन स्तर क्या क्या पता चलता है, वो कैसे जीवन निर्वाह कर रहा है। तो ये हो गया राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय में। आपने आज राष्ट्रीय आय धीमी होने के कारण, राष्ट्रीय आय मतलब बढ़ाने के कारण, तो अब राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय में अंतर, निजी आय और राष्ट्रीय आय में अंतर, ये सब पढ़ा। धन्यवाद बच्चों।